क्या आप मोठ की दाल की वजह से बनी मस्जिद के बारे में जानते हैं? आइए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। यूं तो दिल्ली एक अजीम शहर है जिसने ना जाने कितने बादशाह देखे हैं, जिसने हुकूमतों को आते और जाते देखा है। पर इसे समझने जानने के लिए अब हमारे पास सिर्फ कहानियां और इतिहास बचा है और ऐतिहासिक इमारतें बची हैं। वो कहानियां जो हमें याद दिलाती हैं गुजरे हुए कल की। मैं ऐसी ही कहानियों की तलाश में कभी कभार निकल जाया करता हूँ। वैसे भी कहा जाता है कि इतिहास को समझ के ही आप मौजूदा दौर को समझ सकते हैं। आज का मेरा सफर मुझे ले आया था साउथ एक्सटेंशन के करीब मौजूद मस्जिद मोठ में। चलिए अब मैं आपको इस मस्जिद के बारे में और जानकारी देता हूँ। इस मस्जिद की खूबसूरती और इसका आर्किटेक्चर एक बार में आपका ध्यान खींच लेगा। न जाने कितनी ऐसी तारीखी इमारतें हमारे नए बसते शहरों की भीड़ के बीच गुम हो जाती हैं। इस मस्जिद की तामीर 1505 में सिकंदर लोधी के वजीर आजम मियाँ बोहिया ने कराई थी। ये दिल्ली में लोधियों का दौर हुआ करता था। इसके नाम की कहानी बहुत दिलचस्प है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे सुनाऊंगा। पर पहले इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं। बाहर से इसका आर्किटेक्चर आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। जिस तरफ से हम गए थे वो मस्जिद की क़िबले वाली बाहरी दीवार है जो बहुत ऊंची है। मस्जिद की इस बाहरी दीवार के दोनों तरफ दो बुर्ज मौजूद हैं जो दीवार के साथ ही जुड़े हुए हैं। इस मस्जिद की सबसे यूनिक चीज इसकी दीवार के साथ बने ये बुर्ज हैं जो दो मंजिला हैं। इसके अंदर आपको कई मेहराब नजर आ रहे हैं जो इसकी खूबसूरती को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और इसे बहुत ही नायाब लुक देते हैं। अब आइए मस्जिद के गेट की तरफ चलते हैं। मस्जिद का गेट बेहद खूबसूरत है। इसके अंदर और बाहर दोनों हिस्से पे बेहद दिलकश डिजाइनिंग की गई है। इसमें रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें मौजूद डिजाइनिंग आपका पूरा ध्यान खींच लेगी। फूल पत्तों के साथ ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही शानदार नज़ारा पेश करती है और इस तरह की डिजाइनिंग मैंने बहुत कम जगह पे देखी है। अंदर जाने पे मस्जिद का सहन मौजूद है और सामने ही मस्जिद भी है जिसमें 5 आलीशान मेहराबी दर हैं। मस्जिद के 3 खूबसूरत गुंबद हैं और मरकजी गुंबद के नीचे मेहराब मौजूद है जिसमें नक्काशी की गई है और अरबी में कुरान की आयतों को उकेरा गया है। इस मस्जिद को लोधी दौर की शानदार तामीर माना जाता है जिसमें अलग अलग तरह की डिजाइनिंग, कॉन्ट्रास्ट और एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है। एक और खास बात यह है कि इसकी तामीर में हिंदुस्तान के अलग अलग दौर के आर्किटेक्चर को एक साथ इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है। जब आप इस मस्जिद में आते हैं और जब इसको देखते हैं तो आप इस चीज को महसूस कर पाते हैं। इस मस्जिद की तामीर के पीछे जो इंटरेस्टिंग कहानी बताई जाती है वो मैं अब आपको सुनाता हूँ। सुल्तान सिकंदर लोधी जब इस जगह के करीब ही एक मस्जिद में आए हुए थे तो उनकी नज़र मोठ, जो कि एक किस्म की दाल होती है, उसके दाने पे पड़ी। उनके वफादार वजीर मियाँ बोहिया, जो कि बादशाह के साथ ही थे, उन्होंने देखा कि ये दाना एक परिंदे ने गिराया था। वो चूंकि बादशाह के बहुत ही वफादार थे और वजीर भी थे, वो सोचने लगे जिसको हुजूर की तरफ से इतनी इज्जत दी गई है उसे बेकार में नहीं फेंका जा सकता, इसे किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए उन्होंने वो मोठ का दाना ले लिया और अपने बाग में उसे बो दिया। सालों गुजरने के साथ मोठ के दानों को बार बार बोया और पौधों को फिर से लगाया। वजीर ने आखिर में उस फसल को बेचकर अच्छी आमदनी की। इस आमदनी से उन्होंने सुल्तान से मस्जिद बनाने की इजाजत हासिल की। बादशाह अपने वजीर की तजवीज पर खुश हो गए और सिकंदर लोधी ने खुद इस मस्जिद की बुनियाद भी रखी। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हमें पता चलती है जिसकी वजह से इस मस्जिद को मोठ की मस्जिद कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।